हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है। किस प्रकार से कल खेदड़ के अंदर वो किसान काफी दिन से जो धरने में बैठे थे और मांग अपने लिए नहीं कर रहे, गौशाला के लिए खेदड़ के प्लांट की राखी की मांग कर रहे थे, धरने पे उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी समस्याओं का हल करने की बजाय उन पे लाठी चार्ज किया गया, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एक किसान की दुखद मौत हुई है। ये सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेवार है। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन था, लड़ाई तो दिल्ली से थी, परंतु क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है ये सरकार, यहाँ पर पिपली पे लाठी चार्ज आपने देखा किस प्रकार से किया गया, किस प्रकार से खड्डे खोदे गए। तो सरकार किसान विरोधी सरकार है, सरकार को तुरंत किसानों की बात माननी चाहिए और जो किसान की दुखद हत्या हुई है, जिन उन्होंने उनके ऊपर लाठियां चलाई हैं, गोलियां चलाई हैं, उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तक सरकार की तरफ से कोई संवेदना भी नहीं प्रकट हुई। सरकार, मैंने कहा है कि सरकार जेजेपी बीजेपी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। अगर किसान विरोधी सरकार ना होती तो इस प्रकार की घटनाएं ना घटती। एक किसान की मौत हो जाना और वो भी पुलिस की लाठियों से गोलियों से मौत होना बहुत दुखद है। सरकार को चाहिए कि सरकार उनसे बात करे और मृत किसान को मुआवजा दे। आपके जो कांग्रेस के 5 विधायक हैं, उनको विदेश से कॉल करके धमकी दी गई है कांग्रेस पार्टी के विधायक। हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लगातार इस प्रकार से प्रोतियां मांगी जा रही हैं, खाली विधायकों से नहीं, बहुत बड़े बड़े व्यापारियों से प्रोतियां मांगी जा रही हैं, डॉक्टर से प्रोतियां मांगी जा रही हैं। आपके शहर कुरुक्षेत्र में कितने लोग हैं जिनसे प्रोतियां मांगेगी, जिनको पुलिस को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। तो सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। मुझे हैरानी होती है कि जब ये सत्ता से बाहर से तो कपड़े उतार उतार के इस पर धरना दिया करते थे, प्रदर्शन किया करते थे, अब रोजाना ही हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। कल ही 50 रुपये रसोई गैस का पड़ गया। तो सरकार को महंगाई पे रोक लेना, पहले ही बेरोजगारी बहुत है, महंगाई की मार और पड़ रही है, तो कहाँ जाएंगे लोग। यही कारण है कि आत्महत्याओं की घटनाएं भी ज्यादा बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं। हमें दुख है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान हमारे 15 लोगों ने जान गंवा दी, बहुत दुखद घटना हुई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना आगे ना घटे, और क्योंकि बहुत आस्था का प्रतीक है हमारे लिए अमरनाथ यात्रा, और अमरनाथ यात्रा में लोग बड़ी आस्था लेके जाते हैं और इस प्रकार की दुखद घटना घटती है तो निश्चित रूप से बहुत दुख होता है।